का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो पार्टनरशिप हमारी क्या होती है, इसका जो बेस होता है पार्टनरशिप का जो क्या होता है, एक बेस होता है, वो किस पे होता है, एग्रीमेंट पे होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो बेस होता है वो होता है एग्रीमेंट के बेस पे। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, हम एक दो तीन चार पांच, मतलब कभी भी पार्टनरशिप के अंदर एक बंदा इंक्लूड कभी नहीं किया जाता। जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, दो या दो से जितने भी ज्यादा की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो पार्टनरशिप है क्या, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो हमारे पास दो कैंडिडेट है, एक ए और एक कौन सा बी है, तो ये बंदा अगर मान के चलो बी से क्या कर रहा है, कोई सेंटर ले रहा है, कोई इंस्टीट्यूट ले रहा है। ठीक है, तो जब ये बी क्या करेगा, उसको एग्रीमेंट बनवा के देगा। अगर वो एग्रीमेंट बनवा के दे रहा है तो उस एग्रीमेंट में क्या होगा, ए जो बंदा है इसकी पूरी डिटेल आएगी। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आएगी, उसके बाद इसके साथ जो इसका नॉमिनी पर्सन है, जो इसका नॉमिनी है उसकी भी क्या है, पर्सनल डिटेल आएगी। जो बंदा जिसको सेंटर दे रहा है उसकी डिटेल आएगी, प्लस इस सी का क्या होगा, एक नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी के अकॉर्डिंग क्या है उसकी भी डिटेल आएगी। ठीक है, और पार्टनरशिप जो होती है ज्यादा इसमें क्या है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, मेन जो अब हमारा होता है कि जो बेस क्या होता है, उसका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर मान के चलो हम कोई भी जैसे सेंटर पर कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, उस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उस बंदे से हम सेंटर ले रहे हैं, तो उस केस के अकॉर्डिंग हमें ये करना पड़ता है कि उस बंदे का क्या होना चाहिए, पूरा एड्रेस होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, और प्लस उसका कोई ग्रांटर जिसको हम बोलते हैं, नॉमिनी बोलते हैं, जो भी है, ठीक है, वो हमारा होना चाहिए। तो उसी केस के अकॉर्डिंग हम जैसे क्या करते हैं कि इसी के अंदर जो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जो एक शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो दो बंदे पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है, तो दो अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो उनका जो रेशियो होगा, जो प्रॉफिट होगा वो 50-50% होगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसे अगर वो डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद वो क्या करेगा, जितना भी वो जब भी सेटलमेंट करेगा, मतलब जो हिसाब किताब करेगा उसके अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपए, 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी है, तो वो उसका क्या करेगा, खुद के अंदर डिवाइड कर लेगा 50% इसका, 50% इसका। ठीक है, अगर कुछ एक कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान के चलो हम पार्टनरशिप में दो कैंडिडेट है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक कैंडिडेट और होना चाहिए। ठीक है, हम उसको अगर जैसे वो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं और हम उसको क्या कहते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हम उस कंडीशन पे एक मतलब सॉरी उसके लिए हम एक ऑफर भी होता है, जैसे हम ऑफर बोल सकते हैं, तो पहले तो हम उसको ऑप्शन ये देंगे कि हम आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। वो कहता है कि भैया हम आपके साथ उसमें पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उस केस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम उसके साथ एक रेशियो बांट लेंगे। ठीक है, रेशियो बांटने का मतलब क्या होता है कि या तो हम उसको क्या रखेंगे, 70-30 का रेशियो रखेंगे, या फिर हम क्या रखेंगे, 60-40 का रेशियो रखेंगे। तो 60-40 रेशियो और 70-30 रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। अगर मान के चलो हम उस कैंडिडेट ने हमको क्या कहा कि हम आपके साथ पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहता, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 70-30 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट पढ़ रहा है, भाई 10 बंदे पढ़ रहे हैं, 20-30 जितने भी हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारे पास आता है, या बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, जैसा भी होता है, जो भी है, ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं एक इंस्टीट्यूट का। तो जैसे मान के चलो हमारे पास कुछ एक कैंडिडेट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे पास कुछ एक ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं कि उनको वो सब्जेक्ट चाहिए बट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट तो बट टीचर हमारे पास नहीं, तो हम टीचर अलो करेंगे उसको। तो जैसे उसको टीचर अलो करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हम या तो उसको पार्टनरशिप में इंक्लूड करना चाहेंगे, अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन क्या रहेगा, 70-30 या 60-40 का रेशियो रहेगा, अदरवाइज देखा जाए मार्केट में 60-40 रेशियो चलता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान के चलो बच्चों की जो भी फीस आ रही है, जितना भी जो भी हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है जैसे भी, तो उसका जो सब्जेक्ट है, वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसने क्या स्ट्रक्चर रखा हुआ फीस का, उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी फीस आएगी, उस टोटल फीस में से 70% किसका होगा, उस टीचर का जो पढ़ाने आ रहा है, और 30% किसका होगा, हमारा, क्योंकि वो हमारे सेंटर में पढ़ा रहा है।
ठीक है, क्योंकि हम उसको बच्चे भी अलॉट कर रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं, उसको सुविधाएं भी दे रहे हैं, तो 30% तो हमारा हम रखेंगे, 70% उसको देंगे। अगर स्टार्टिंग में जो हम बात करते रेशो की, वो क्या होते हैं 60-40 रेशो होता है जो मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है आज के टाइम। तो अगर 60-40 रखना चाह रहे तो 60 उसको अलॉट हो जाएगा, 40 हमें अलॉट हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ जो रेशियो रखना है, चाहे आप 70-30 रख लो, 60-40 कोई भी रख लो, 55-45 कोई भी रख लो, जो होना चाहिए वो पूरा कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। वो जो कंप्लीट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वही एक सेम चीज क्या होती है कि जितना भी जो भी प्रॉफिट होता है भाई पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर है दो है तीन है चार, अगर चार बंदे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका 25-25 के अकॉर्डिंग, अगर इसमें आपका 3 पार्टनरशिप में तो 33-33 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट हम दो ही पार्टनरशिप के अंदर है, कोई तीसरा हमारे पास अलॉट नहीं होना चाहता, हमारे अंदर पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होना चाहता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 70-30 और 60-40 का रेशियो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप के अंदर, जो डीड होती है पार्टनरशिप की, डीड भी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो क्या होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अब कैपिटल क्या होती है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश अवेलेबल होना चाहिए। भाई हम बिजनेस को रन तो कर रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैश है कितना, अदरवाइज हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। सोचने को पता नहीं क्या सोच रहे हो, अदरवाइज जब तक कैश नहीं होगा बिजनेस रन नहीं हो पाएगा हमारा। तो उस केस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कैपिटल, भाई बिजनेस आप स्टार्ट तो कर रहे हैं, सेंटर तो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ओपन कुछ भी लगा दो, जो भी बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं या कोई कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं कुछ भी हो, उसके लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो कैश की होती है, ठीक है। अगर भाई जैसे मान के चलो दो का कोई कैंडिडेट है, ए और बी मान के चलो, ठीक है, जो कि मैं हर बार ये कैंडिडेट रिसीव करता हूँ, तो ए और बी दो पार्टनर बंदे हैं, इन्होंने सलाह बनाई है कि हमें एक बिजनेस करना है, तो दोनों क्या करेंगे, मान के चलो कोई 5 लाख दे रहा है, एक दूसरा 5 लाख दे रहा है, तो मतलब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को अच्छा रन करने के लिए, उसको सेटअप बनाने के लिए, उसके लोकेशन फैक्टर को देखने के लिए कैपिटल अच्छी रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। अदरवाइज आपका बिजनेस चलो आप चला सकते हो बट जब तक उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, अच्छी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जो भी है, अदरवाइज वो चीज फेल आपकी, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप जब करना चाहते हैं तो एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप मान के चलो कुछ एक केस में क्या होता है, कोई कह देता है मेरे पास इतना है तेरे पास इतना, तो लगा दो आप बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, तो वो भी चीज क्या होती है कि बिजनेस को कुछ एक चीजों में क्या होता है, देखो जैसे हमने पहले क्या डिस्कस किया कि हमने रन कर लिया बिजनेस अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ रेशियो कहने का मतलब है जो भी रेशियो होगा, सॉरी जो भी प्रॉफिट होगा वो रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। सेकंड क्या होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल बस बिजनेस को सेटअप करने के लिए पार्टनरशिप में आने के लिए हम पैसा लगा के बनाते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होती है, इंटरेस्ट टू पार्टनर भी होता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट टू पार्टनर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया था ये 70-30 और 60-40 का, ठीक है। तो इस केस के अंदर इंटरेस्ट की जो बात करिए 60 या 70, ये तो हम तो दे देंगे उसको, ठीक है, ये तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो हमारा रिसीव होगा वो 30 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, वो इंटरेस्ट टू पार्टनर होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में जब भी हम एग्रीमेंट बनवाते हैं, स्टार्टिंग का जो होता है वो 6 मंथ का होता है, मतलब स्टार्ट होता है 6 मंथ का, आप 1 ईयर का भी बनवा सकते हो जो भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैंडिडेट क्या करता है, जैसे हम मानते चलते हैं कोई भी कैंडिडेट आता है उसने ये सोच लिया, कोई उसको कहता है भाई आप 2 साल का 3 साल का बनवा लो एग्रीमेंट, ठीक है, लेकिन हम नहीं बनवा सकते क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आप एग्रीमेंट बनवाओगे तो वो स्टार्टिंग का क्या होना चाहिए, 1 साल का बनवा लो या 6 मंथ का बनवा लो, और वो बना के कौन देगा, जैसे आपका सेंटर ले लें, जो भी जब आप एग्रीमेंट बनवाते हो तो एग्रीमेंट के अंदर जो बंदा ले रहा है, जैसे सेंटर ले रहा है, उसका नाम उसका नॉमिनी प्लस जो बंदा ले रहा है उसका नाम और उसका नॉमिनी वो ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। उस केस के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि जैसे अपन एग्रीमेंट बनवा लिया तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, अगर आपने साल का बनवा लिया तो साल का ओवरऑल कंप्लीट होने के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जैसे एक पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो दो पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, तीसरा जो मतलब दो पार्टनरशिप में ए और बी, ठीक है, बी क्या कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ रहा है किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, बट विदाउट परमिशन ऑफ ए, मतलब किसकी परमिशन के बिना, ए की परमिशन, तो ये चीज तो आपको पता वैसे ही गलत है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है जब भी कोई एक दूसरा पार्टनर किसी पहले वाले पार्टनर की परमिशन के बिना किसी थर्ड पार्टी को अगर पार्टनरशिप में ऐड करना चाहता है तो वो चीज हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये भी एक हम कंडीशन ले सकते हैं, 1-2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका। और एक क्वेश्चन क्या आता है, अगर मान के चलो
भाई कोई भी पार्टनर लीव करना चाहता है पार्टनरशिप से, तो होना क्या चाहिए उसका, जितने भी सेटलमेंट होते हैं, जो भी हिसाब किताब होता है, जो भी है जैसे भी, वो सारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो हमें अवेलेबल होगा, अगर अपने को कुछ ज्यादा देने जो भी है जैसे, वो हमें करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक चीज कई बार क्या होती है पार्टनरशिप के अंदर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा शायद, अगर हम मान के चलो पार्टनरशिप में तीन कैंडिडेट है, ठीक है, पार्टनरशिप चीज बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके लिए भी हमारे लिए, ठीक है, हम मैं करके देख ही चुका हूँ। तो उस केस में क्या है कि जैसे पार्टनरशिप है, ठीक है, दो कैंडिडेट है, सॉरी तीन कैंडिडेट है, ए बी सी तीन पार्टनरशिप में, ए और बी ब्रदर्स है, बट सी ब्रदर नहीं है, उन दोनों के अलावा वो फ्रेंड सर्कल में, ठीक। तो पार्टनरशिप में आप गलती मत कर देना कि हम दो पार्टनरशिप में, आप उसको क्या मान के चलोगे कि हम पार्टनरशिप में टोटल कितने कैंडिडेट है, थ्री कैंडिडेट है, ब्रदर वगैरह कुछ नहीं चलता पार्टनरशिप में आ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप है ही ऐसी चीज, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस चला भी सकती है और बिजनेस को खत्म भी कर सकती है, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के चले तो पार्टनरशिप को लेके हम बहुत कुछ अच्छा सा बना के लिख सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप का जो टॉपिक होता है ना, डीड क्या होती है उसकी, जैसे भी आपने मैंने डिस्कस किया, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ रेशियो, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इंटरेस्ट पार्टनर होता है, ये चीजें हम बना के भी लिख सकते हैं। पार्टनरशिप का आज के जेब में थ्योरिटिकल टॉपिक है, बीकॉम का कोई कैंडिडेट हो अच्छे से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट के पास बीकॉम ना हो या बीए ना हो, मतलब सॉरी बीकॉम ना हो चाहे वो बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये नहीं कि उस बंदे को पार्टनरशिप के बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलो मान लेते हो नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत करवाना पड़ जाता है, बट पता सबको होता है, ठीक है। तो उसी केस में हम क्या करते हैं, जैसे पार्टनरशिप पोस्टिंग मारी, ठीक है, जो उसका बेस होता है वो क्या होता है आपका एग्रीमेंट के बेस पे होता है, ठीक है। और जो भी पार्टनरशिप होती है वो दो से ज्यादा के कैंडिडेट होते हैं, या दो से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, ठीक। ज्यादा इसमें देखा जाए तो डिटेल में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। कई बार कंडीशन क्या लागू होती है कि जो भी आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, ठीक है, जो भी हम एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो जो कैंडिडेट सेंटर ले रहे हैं जैसे भी है जो भी है, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे इसमें क्या चलते हैं जो कैंडिडेट सेंटर ले रहा है उसकी डिटेल का मतलब क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और देखा जाए तो जो भी रिक्वायरमेंट जो भी है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान के चलो और जो सेकंड पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, आपको सेल कर रहा है कोई चीज, तो सेल करेगा तो उस बंदे का भी नाम आएगा, प्लस उसमें क्या होगा कि उसी कैंडिडेट का एड्रेस वगैरह वो चीजें मेंशन होगी, तो उसका उसी फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट करता है सेंटर की कर रहा है या जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के अकॉर्डिंग और हम क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो जैसे हमने डिस्कस किया जो कैपिटल होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्लस उस हम एक क्या होता है जो पार्टनर होता है या कोई एक और थर्ड बंदा जो आता है उसको हम सैलरी के बेस पे भी रख सकते हैं, या तो आप सैलरी टू पार्टनर कर लो या फिर इंटरेस्ट टू पार्टनर कर लो। तो बात सेम है कि जो भी कैंडिडेट आता है, या फिर डिस्कस किया 70-30 और 60-40, तो बात एक ही है, या तो आप उसको सैलरी के अकॉर्डिंग बेस पे रख लो, अदरवाइज उसको आप पार्टनरशिप में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसमें देखा जाए तो या तो उस बंदे को इंटरेस्ट है दो और कुछ परसेंटेज हमारे पास रह जाएगा। और कुछ पार्टनरशिप की क्या होती है, डिस्यूलेशन होते हैं, तो एक हमारा क्या होता है पार्टनरशिप होता है, एक पार्टनरशिप डीड होती है, और एक पार्टनरशिप डिस्यूलेशन होते हैं। तो डिस्यूलेशन में क्या होता है कि जो भी एक कैंडिडेट होता है वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को लीव करके भी जा सकता है, ठीक है। अगर वो लीव भी करता है तो एक बिना पार्टनर की परमिशन से वो लीव नहीं कर सकता, क्योंकि एक एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि विदाउट परमिशन, मतलब जो भी आपके पास टाइम वैलिड है, भाई अगर मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी हम जैसे सेंटर वगैरह जो भी करते हैं, तो जब आप एग्रीमेंट बनवाते हैं 1 ईयर का बनवाते हैं या 6 मंथ का जो भी बनवाते हैं, ठीक, तो वहां तक हम उससे पहले अपन ना तो अपने से कोई लीव करवा सकता ना हम लीव कर सकते। तो सेम उसी कंडीशन के अंदर जब जो पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है, तो बिना किसी अगले के पार्टनरशिप पार्टनर के बिना वो विदाउट परमिशन के बिना वो लीव नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में हर कैंडिडेट का नाम होता है, ठीक है।
तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस पार्लर नॉर्मल सा टॉपिक है, सका सा टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है, जो भी है 2 नंबर का, बट क्वेश्चन अवेलेबल है। ज्यादातर बस थ्योरेटिकल का टॉपिक है, इसमें कोई सम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है।